नमस्कार, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज है संडे और आज जो है वो ब्रेकफास्ट हम बना रहे हैं। जेबी भी आया हुआ है और हम बना रहे हैं ब्रेकफास्ट। ये है चाय, ये देखें चाय, ये ब्रेड जो है ये हम सेक रहे हैं। तो जेबी को जो है मैंने बिहाइंड द कैमरा रखा हुआ है। तो अभी जो है वो हम जेबी को भी मैं दिखाऊंगी। तो अभी यहाँ पे जो है ब्रेड सेक रही है और इसमें जो है मामा से पूछेंगे कि जैम लगाना है कि नहीं, तो फिर जो है वो जैम इसके ऊपर लगा के फिर इनको देंगे। यहाँ पे जो है हमने ब्रेड को सेक लिया है तो मामा कह रही हैं ये वाले दे दो मुझे, दूसरे वाले ना दो कुछ भी लगा कर, क्योंकि उनको क्रिस्पी जो है वो ब्रेड पसंद है इसलिए। और ये जो है ये जैसे वो नहीं होती लकड़ियों लकड़ियों को नहीं ऐसे से करते उनके चूल्हों को, वैसे कर रहा है जे भी। अभी मैं इसको साफ कर देगा, सब देख इतना सारा क्रंच उसका उतर गया और इस पे बंडा पक सकता है। अच्छा ये देखें गाइस, ये जो है मामा पजल बना रही हैं। अभी जो है वो बड़ी दुविधा में है लेकिन कह रही है मुझे समझ आ रही है, बन रही है इजीली। जाहिर है सामने तस्वीर तो चले है, बनना तो चाहिए और इतना तो मेरे में सेंस होनी चाहिए ना कि भाई जी कैसे क्या करना है। जब नजर आ रहा है सामने तो आप लोगों को फिर दिखाते हैं। जेबी भी गौर से देख रहा है कि नानो क्या करेंगे, लेकिन हाँ जी क्या मिशन सक्सेसफुल। बन गया है 1 आवर में, क्योंकि 1 आवर का में 30 pieces। और ये है अभी अडल्ट के लिए, ये देखें इसीलिए इन्होंने ऐसे बनाई हुई है क्योंकि ये अडल्ट के लिए है, वरना ये बड़ी बड़ी पिक्चर बनी होती। एक एक जो पजल है ना उसके ऊपर एक एक बड़ा बड़ा बना होता। चोकिंग हैजर्ड्स फॉर चिल्ड्रन अंडर 3 years, कि उनको चोकिंग हो सकती है इससे। यस देखे गाइस, ये जो है ये वाली जो पजल है इसका आज आपको सही नजर आ रही होगी। ये जो है ये इसके कर्टन है, रिफ्लेक्टर पड़ रहा है, ये इसका कर्टन है, ये देखें चेक करें। ये जेबी ने अभी जोड़ा है और ये भी है, ये भी मैंने अभी जोड़ा था। क्योंकि ये जो कर्टन है ना ये बड़ा जरा डिफिकल्ट सा मामला है और यही जुड़ गया बस। ये सारा जो है ये पजल्स अभी पड़े हुए हैं, बाकी सारा जुड़ गया। फाइनल रिजल्ट भी आपको दिखाएंगे। अभी जेबी जो है वो डांस करने के मूड में है। गाइस तो ये देखें हमारी जो है पजल कंप्लीट हो गई है, जो इतने दिनों से मैं आप लोगों को दिखा रही थी वो कंप्लीट हो गई है। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये जो है ये कर्टन जो है ये भी कंप्लीट हो गया है टास्क, और मामा ने भी जो है इसके अंदर 2-3 लगाए हैं और मुस्कान भाजी ने भी लगाए हैं, शाहजहा जी ने तो बहुत ज्यादा बनाया है, फिर मैंने बनाया है, मुस्कान जी ने बनाया है, जेबी ने भी बनाया है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग काम है, इससे ज़ेहन खुलता है, ये हमें जरूर ऐसे काम करने चाहिए लाइफ में। हाँ जी क्योंकि ज़ेहन खुलता है। हाँ और बंदा फ्रेश हो जाता है, बोर भी नहीं होता। एक जो आपकी बॉडी के अंदर भी ना एक ख्वाहिश जागती है कुछ करने की। हाँ और ऐसे जैसे हेलेना कल आई थी तो उसका भी शौक हो गया था। क्या करें,
और मंगवाए और ज्यादा हमारा जहन खुले। सही बात है, मजा आता है, मजा आता है। फिजूल बातें करने के बैठ के ऐसी चीजें होनी चाहिए, और जो खुशी हुई है हमें बना के कंप्लीट करके। सही बात, वाकई ये बात सच है, बहुत ही मजा आया। तो ये 2 वीक्स में जो है ना वो बन गई है, और बीच बीच में कुछ दिन हमने हाथ भी नहीं लगाया, और ये जो है ये सारा बहुत खूबसूरत लग रही है। हाँ बहुत प्यारी लग रही है, अब फ्रेम करके लगवाएंगे, और ये वाले जो है मिसिंग पजल इसको भी जरा फिल करेंगे हम। एक ही मिसिंग है ना, ये सिर्फ वाइट नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और इसी के साथ सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर कर दें। ओके, खुदा हाफिज, अगले ब्लॉग में मिलेंगे, बाय।